नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने, आप सबको पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का भी ऐलान हो गया है, कितने चरणों में चुनाव होगा, इन सब बातों का एक डिटेल अनाउंसमेंट हो चुका है अब तक। इस बीच जो अभी तक इस कार्यों में सम्मिलित नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वो सुस्त दिख रही थी इन सब चीज़ों के पीछे, वो पीछे हट चुकी थी, तो अब वो भी आगे आके मुखर होके बोल रहे हैं और अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस का जो है अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था इस चुनाव को लेके, लेकिन इस वक्त कांग्रेस का एक बयान आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव आयोग की तरफ से जब डेट का ऐलान हुआ, तो लगातार जो पार्टियां जिस पार्टी कार्यालय में जो अभी तक कुछ भीड़ नहीं लग रही थी, वहाँ भीड़ लगना शुरू हो गया। वहाँ के जो मुखिया थे वहाँ पहुँच गए, उन्होंने लोगों से बातचीत की, मुलाकात की और सीटों को लेकर एक बात चलने लगी। इस बीच जो कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी जो पटना आने वाली थी, वो पहुँच चुकी है पटना में और उन्होंने एक मीटिंग कंडक्ट की। मीटिंग के अध्यक्ष जो हैं अविनाश पांडे थे। अविनाश पांडे ने जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने बयान जारी किया। बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताती हूँ। बयान में उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ सम्मानजनक गठबंधन होने पर साथ लड़ेंगे चुनाव। सम्मानजन सीट नहीं मिलने पर 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हमारी तैयारी 243 सीट पर है। एक तरह से उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगी तो वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे और वो 243 सीटों पे उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि कुशवाहा जी हमारे साथ रहे, मैं यह चाहता हूँ। कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन्हें ही टिकट दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी के मुख्यमंत्री होने के पर भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं। इस पर उन्होंने फिर से भी एक बात और जोर दी है कि 243 सीट जो है उस पर उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्हें अगर सम्मानजनक सीट नहीं मिली तो वो कांग्रेस जो है अब राजद के साथ नहीं रहेगी, वो 243 सीट पर लड़ेगी। कहते हैं ना, जो सांकेतिक रूप से राजद को बताना कि मैं 243 सीटों पे अपनी तैयारी कर ली है, अगर आप मुझे सम्मानजनक, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे सीटें नहीं देंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहूँगा। अगले बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनाव में जाएगी, मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, दो दिन बाद इसका फैसला कुछ कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है उस पर उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, इसके लिए अभी जो राजद का जो साथ है उन्होंने वो मांगा। उन्होंने कहा कि अगर सम्मानजनक सीट मिलेगी तो वो साथ रहेंगे, अगर नहीं मिली तो वो अलग भी हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पूरे 243 सीट हैं उस पर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आई है। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।